देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, जिसको ये वीडियो स्किप करना है वो स्किप कर सकते हैं, छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, प्लस 2-3 दिन तक नींद भी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात तक लोग बसों में सफ़र करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रूट 375 की बस की कहानी सुनाई जा रही है। यह कहानी कितनी सच्ची है ये तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। इस घटना को घटे करीब 27 साल हो चुके हैं। इस रहस्य को आज तक चीन की पुलिस भी नहीं सुलझा पाई है। यह कहानी सुनने में तो किसी भूत प्रेत की लगती है, मगर इसमें टाइमलाइन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और काफ़ी सारी चीज़ें आपको महज काल्पनिक लगेगी। यह एक रात की रहस्यमयी कहानी है जो 14 नवंबर 1995 में घटी थी। यह कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड बहुत थी, काफ़ी ज़्यादा थी और बाहर कोहरा भी छाया हुआ था। उसी रात रूट नंबर 375 की एक बस चली। चीन की इस बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर वुआनमिंग वुआंस बस टर्मिनल से पहाड़ी के लिए निकलती है। बस पूरी यात्रियों से भरी हुई है और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस में धीरे धीरे यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी है। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बची हुई है। हिल पहाड़ी का सफ़र अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टाफ बचे थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और जिस रास्ते से यह बस जा रही थी वहाँ रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। 1 से 2 स्टाप के गुजरने के बाद बस नंबर 375 समय पैलेस के बस स्टाप पर रुकती है। यहाँ पर एक वृद्ध महिला और एक 9 साल का लड़का एक कपल चढ़ता है। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और लड़का साइड वाली सीट यानी जो बस के गेट के पास होती है उस पर जाकर बैठ जाता है और वृद्ध महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 5 लोग थे, 3 यात्री, 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत होता है। बस जिस रास्ते से होकर जा रही है उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वहां कोहरा भी घना था। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क पर किनारे खड़े हुए नजर आए। यह देखकर तो ड्राइवर ने सोचा कि बस को नहीं रोकूंगा क्योंकि वह जहां खड़े थे वहां कोई बस स्टॉप नहीं था, लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोकी। महिला ने कहा कि यह एक रूट की आखिरी बस है और उन्हें कोई दूसरी बस नहीं मिलेगी। बस रुकते ही वो 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे के साथ अंदर दाखिल होते हैं, मगर तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस के सफ़र कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधों के सहारे देखकर खड़ा रहा था। तीसरे व्यक्ति का सर उल्टा नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोग ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। यह तीनों पैसेंजर बस के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में अशांति ना फैले इसलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उसने कहा कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी से काम करते हुए और देर रात हो जाने की वजह से घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हो। बस नंबर 375 आगे की ओर बढ़ी और बस में कुल अब 8 लोग सवार थे। बस में पहले जो वृद्ध महिला सफ़र कर रही थी वह बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी। अब अगला बस स्टॉप आया तो यंग कपल इसी स्टॉप पर उतर गया।
बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वह वृद्ध महिला बार बार मुड़कर उन तीनों लोगों को देख रहे थे। वे लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। वृद्ध महिला के आगे बैठा हुआ लड़का बस की खिड़की को बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। करीब 2 से 3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद वृद्ध महिला जोर से चिल्लाती है। अपने आप आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। यह सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला की ओर आती है और कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया, यह तो आपके आगे बैठा था। लड़के ने भी यही बात वृद्ध महिला को समझाई, मगर वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़े हुए थे और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगे। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को बहुत समझाया, मगर वह समझी नहीं और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा।